इस लेक्चर में हम कलारी पयट्टू के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन सिंपली कलारी, इसे कलारी के नाम से भी जाना जाता है। कलारी का मतलब होता है बैटल फील्ड, यानी कि युद्ध क्षेत्र, जहाँ पे युद्ध यानी कि फाइटिंग की जाती है उस एरिया को कलारी बोला जाता है, उसी के नाम पे इसे कलारी भी कहा जाता है। ये इंडियन मार्शल आर्ट है जिसका ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है, केरल में, और साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे ये परफॉर्म किया जाता है। ये आप इमेज में देख सकते हो, इस प्रकार का कुछ होता है। और इसमें क्या है, ये 3rd century BC से लेकर 2nd century AD तक इसका ओरिजिन होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है कलारी, ये कलारी पयट्टू का ये एक मार्शल आर्ट है। ये दूसरा इमेज देख सकते हो आप, और इसे क्या है, मॉडर्न जो कुंगफू है उसका फादर समझा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ मॉडर्न कुंगफू, जो कुंगफू मार्शल आर्ट है उसका जनक समझा जाता है कलारीपा यट्टू को। जो वर्ड कलारी है वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे मेंशन है, अपीयर हुआ था, ये जी हमने देखा था सबसे पहले संगम लिटरेचर में। संगम लिटरेचर में कलारी वर्ड लिखा हुआ है, जिसका नाम, जिसका जो मतलब है, मीनिंग है, बैटल फील्ड यानी कि कॉम्बैट एरिया या कॉम्बैट एरेना है, ऐसा माना जाता है। ये वन ऑफ दी ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम है जो अभी एग्जिस्टेंस में है, मतलब ये चीज़ याद रखनी है, ओल्डेस्ट नहीं है, सबसे पुरानी ये मार्शल आर्ट नहीं है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानियों में से एक है। और इसे केरल और कुछ कंटिगुअस पार्ट ऑफ तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है, मतलब केरल है जो जैसे यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे एडजोनिंग पार्ट केरल के साथ में तमिलनाडु के लगते हैं, वहाँ पे कुछ हिस्से में तमिलनाडु में भी प्रैक्टिस किया जाता है इसे, तो ओनली केरल में परफॉर्म नहीं किया जाता, तमिलनाडु में भी, ये चीज़ याद रखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अनलाइक अदर पार्ट ऑफ इंडिया, जो वॉरियर्स हैं ना केरल में, इसमें जो परफॉर्म करते हैं कलारीपयट्टू को, वो ऑल कास्ट के परफॉर्म कर सकते हैं इसे, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए ये लिमिटेशन है इसकी, सारी कास्ट के, सारी जाति के इसे परफॉर्म कर सकते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और है कि वुमन भी इसे प्रैक्टिस करती हैं, वुमन भी कलारीपयट्टू की ट्रेनिंग लेते हैं, ये आप इस इमेज में देख सकते हो, ये परफॉर्म कर रही हैं वुमन, महिलाएँ। और इम्पोर्टेंट चीज़ है जी इसमें कि कलारीपयट्टू में दो टेक्निक यूज़ होती है, जिनका नाम है स्टेप, जिसका मतलब है मलयालम भाषा में चुवातू, और पोस्चर यानी कि वादीवू, ये दो स्टेप यूज़ होते हैं जिनका नाम एनिमल्स के नाम पे रखा गया है, और ये 8 in number है, मतलब 8 तरह के होते हैं ऐसे पोस्चर्स वगैरह जो परफॉर्म करते हैं इसे। तो इसमें इतना ही था। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि जो कलारीपयट्टू है, इस साल इसे क्या है, जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं ना, खेलो इंडिया गेम्स, उसमें क्या है, इसे इंक्लूड कर लिया गया है। तो जब भी आप खेलो गेम्स इंडिया होंगे, उनमें आपको कलारीपयट्टू का गेम्स भी मिलेगा, ये फाइटिंग सिस्टम मार्शल आर्ट देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में इतना ही था, तो हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।